नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले सभी मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। चार ऑप्शन है, जबलपुर, रतलाम, इंदौर या उज्जैन। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन आपका किया जा रहा है। तो जबलपुर यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। इसमें देश और विदेश से आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, वुशु, कुश्ती के 400 से ज्यादा खिलाड़ी आपके यहाँ पर भाग लेंगे। प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित होगी? तो 2 से 4 दिसंबर के बीच महाकौशल कॉलेज में यह प्रतियोगिता का आयोजन आपका किया जाएगा। तो अपने आप में यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा पहली बार इसका आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आपका किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात आई है जबलपुर के, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, बात करें जबलपुर की, तो इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी आपका जबलपुर को कहा जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर को संगमरमर की नगरी आपका कहा जाता है, तो वह भी दोस्तों आपका जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर के भेड़ाघाट में आपको जो है धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों, भेड़ाघाट में एक घाट है जिसका नाम है लमेटा घाट, लमेटा घाट, और इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की संभावित सूची है उसमें आपका शामिल किया गया। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बंदर कुदनी कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर, यह भी जो है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों यह आपका नर्मदा नदी के किनारे आपका स्थित है। तो यह जबलपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले किस संस्था को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है नर्मदा समग्र संस्था, यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इस संस्था को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में आपका जो है इसको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इसी तरीके से सामाजिक सुधार के लिए मध्य प्रदेश गायत्री परिवार को वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए आपका यहाँ पर होक फोर्स को जन भागीदारी और सामुदायिक प्रबंधन में व्यक्तिगत सम्मान, विजय मनोहर तिवारी को महिला और बच्चों के विकास के लिए संस्था सेवा भारती मध्य भारत, शिक्षा खेलकूद में संस्था सरस्वती शिक्षा परिषद और व्यक्तिगत रूप से रूबीना फ्रांसिस को यहाँ पर दिया गया। स्वास्थ्य और पोषण में संस्था आइनोक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और व्यक्तिगत विनायक लोहानी, जनसेवा में संस्था आरुष्य भोपाल को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से आपका नवाजा जाएगा। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही यहाँ पर बात आई है नर्मदा नदी की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो यह जो है भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। तो यह आप यहां पर अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्गम कहां से होता है, तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हमारे मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो 1077 किलोमीटर जो है यह हमारे मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, साथ ही धुआंधार जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, ये जो
प्रमुख जल प्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर दोस्तों आपका बना हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बीच यानी कि इसके किन दो पर्वतों के बीच से होकर आपकी गुजरती है, तो ये आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर ये आपकी गुजरती है, तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस जिले को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये आपका झाबुआ जिले को दिया गया। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। तो झाबुआ जिले को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान आपका दिया गया, तो यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों झाबुआ की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गे जिन्हें कि आपका जीआई टैग भी आपका मिल चुका है, वह आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आपके पाए जाते हैं। झाबुआ जिले से ही दोस्तों आपका एक जिला अलग होकर बनता है जिसका नाम है अलीराजपुर जिला। कब बनता है? तो यह दोस्तों आपका बनता है 17 मई 2008 को बनता है। कौन से नंबर का जिला बनता है? तो 49वें नंबर का यह आपका यहाँ पर जिला बनता है, तो यह भी अपने आप में यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। साथ ही अलीराजपुर में एक जगह है जिसको भाबरा के नाम से जो है आपका जाना जाता है, जहां पर कि आपका चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, जिसका नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आजाद नगर आपका कर दिया गया है। जोबट परियोजना भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उनका रिविजन यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किन जिलों के कलेक्टरों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो छतरपुर और बड़वानी इन दोनों जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छतरपुर जिले के जो कलेक्टर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए इनको ग्रामीण के लिए आपका सम्मानित किया गया। और बड़वानी जिले के जो कलेक्टर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सम्मानित किया गया। तो इन्हें दोनों में इन जिलों का जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा था, इसलिए इन दोनों जिलों के जो कलेक्टर्स हैं उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। साथ ही सम्मान के रूप में 10-10 लाख रुपए की राशि भी इनको यहां पर आपकी भेंट की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम यानी कि NCF लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों वह हमारा मध्य प्रदेश बना है, तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। NCF यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम लागू करने वाला देश का पहला मैप मध्य प्रदेश बना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। साथ ही राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है या सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नदियों का माइका भी जो है आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वनों का राज्य मध्य प्रदेश को आपका यहाँ पर कहा जाता है। तेंदुआ राज्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह अपने आप में मध्य प्रदेश की कुछ उपलब्धियां यहाँ पर रही है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 का तुलसी शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी को यानी कि भारतीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव इन दोनों को जो है आपका यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया जाएगा। डॉक्टर विनय कुमार पाठक इनको तुलसी शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित डेप ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोरांशी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों यह आपके बैडमिंटन से संबंध रखती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2018-19 से सम्मानित किया? तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका सम्मानित किया गया डॉक्टर रविंद्र कोरिसे द्वार को। यह ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया इसके लेखक कौन है? तो गिरिजा शंकर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके जीवन पर आधारित पुस्तक दाई का विमोचन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दाई के नाम से किसे जाना जाता है, सुमित्रा महाजन को आपका जाना जाता है, जो कि आपकी लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष आपकी यहाँ पर रही है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष रही है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट बनता है। साथ ही यह जो है आपके इंदौर से 7 बार सांसद निर्वाचित हो चुकी है, तो यह भी अपने आप में एक उपलब्धि यहाँ पर है, क्योंकि किसी क्षेत्र से इतने लंबे समय तक बार बार निर्वाचित होना कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको प्रदर्शित यहाँ पर करता है। तो सुमित्रा महाजन के नाम पर एक पुस्तक है ताई, उसका विमोचन किया गया। किसने किया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 को मध्य प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन आपका इंदौर में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। चलिए अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि किसे लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए पंचमढ़ी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में आपका जाना जाता है। किन किन लोगों ने राइट आंसर दिया? अमन व्यास के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। नीतू सिंह बाथम, इन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत डिटेल में यहाँ पर आपका आंसर दिया है। इसी प्रकार के आंसर्स की यहाँ पर हम आपसे उम्मीद करते हैं। सतपुड़ा की रानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को यहाँ पर आपका कहा जाता है। साथ ही श्रुति नागदा, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। शशि रहंगडाले, इन्होंने राइट आंसर दिया है अंतर अलावा, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। मनीषा पुनाचा, इन्होंने राइट आंसर दिया है, और प्रमोद बाथम, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय यानी कि 1956 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस समय कुल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी थी? चार ऑप्शन है, 41, 45, 48 या 43। तो दोस्तों जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।